रिपेट में संगीत आप सभी के लिए एक और रिएक्शन लेकर के। तो यस, वी आर बैक दिस ब्रांड न्यू ट्रैक। हम लोग वापस आ चुके हैं सारे के सारे रिक्वेस्टेड वीडियोस का सीरीज लेकर के। तो ये आप सभी ने जो भी रिक्वेस्ट किया था, हियर इट इज। अब मैं धीरे धीरे करके सारे के सारे रिक्वेस्टेड सीरीज के वीडियोस को कवर करने वाला हूँ। तो लाइक जितने भी आप सबके रिक्वेस्ट है, मैं धीरे धीरे करके सारे कवर कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम, सारे के सारे गाने कवर, डजंट मैटर उस गाने पे शायद एक ही रिक्वेस्ट आया हो या फिर उस गाने के 50 रिक्वेस्ट आए, सारे के सारे लाइन बाय लाइन सारे के सारे कवर होने वाले। तो फॉर श्योर, बाकी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाए तो जैसे चांसेस की कोई कोई नोटिफिकेशन मिस हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 3 नोटिफिकेशन से जाता है किसी भी यूट्यूब चैनल से, डजंट मैटर सब्सक्राइबर्स, तो वही इशू होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब जो से कर लेना, वो जो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पे चले जाए। ऑल्सो सेकेंडली, ये वीडियो मैं ट्राई करूंगा कि अराउंड 31 को या फिर 1 जनवरी 2022 को डालू। तो मे बी जैसा चांसेस कि मैं शायद ये 31 या 1 को, इसी 2 दिन में ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा होगा। सो वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, होप सो कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। जस्ट इस साल को एंड कर रहे हो हम लोग, तो एंड ऑन अ हैप्पी नोट। तो प्लीज 22 का गोल्स सेट कर लो एंड जस्ट रेडी, फुल तैयार के साथ हम रेडी हो। मैं ट्राई करूंगा वीडियो आप सब उसी दिन पहुंच रहा, बताया मैन। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी सिंगल वन, जिन लोगों ने भी हमें स्टार्टिंग से सपोर्ट करके यहां तक लेके आ गया, मैंने थैंक्स अलॉट दिल से यार। लाइक इतना इस लेवल का प्यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। लाइक आई हैव टू से मैन, की मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था, एक्सपेक्टेड कि इस लेवल का आप लोग प्यार दोगे, बट यू गाइस आर अनबीटेबल मैन। लाइक 8K इन द फ्रीकिंग मंथ स्पैन ऑफ 8 to 9 मंथ्स, लाइक इट्स नॉट अ जोक फॉर एनीवन। लाइक मेरे लिए तो डेफिनेटली जोक नहीं है मैन, तो दैट्स हिलेरियस टू से मैन। बट थैंक्स अ लॉट टू एवरी सिंगल गाय, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, किसी भी तरह का व्यूज भी दिया हमें। लाइक कोई एक सिंगल पर्सन भी जो कि हमने व्यूज दिया, वी हैव अराउंड 9 लाख व्यूज शायद अप्रॉक्स, मुझे याद नहीं, मैंने लास्ट बहुत पहले चेक किया था, शायद 8.5 या 9 लाख कुछ व्यूज है हमारे टोटल। तो लाइक शाउट आउट टू एवरी सिंगल 9 लाख पीपल हु हैव वॉच्ड आवर वीडियो, जो भी कमेंट्स करते हैं हमेशा की तरह, जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी इंस्टाग्राम पे डीएम्स ऑल हमें करते हैं। लाइक थैंक्स अ लॉट, मैं ट्राई करता हूँ मैं सारे डीएम्स को रिप्लाई करूँ। मैं लाइक मैं मिस करता हूँ आई नो, बट स्टिल आई ट्राई की मैं सारे के सारे। ऑल्सो मैं वही चीज़ बोलता हूँ, प्रमोशंस के लिए मेरे पास मत कमेंट किया करो, कमेंट या फिर आपके इंस्टाग्राम एंड ऑल पे, मैंने हर बार ये चीज़ बोला है कि अरे ये मैं चीज़ नहीं करता हूँ, नाइदर फ्री नॉर पेड। तो यार मैं छोटा सा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ वीडियो के आगे में। ऑल्सो एट द एंड, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी सिंगल वन, एंड थैंक्स अलॉट फॉर मेकिंग दिस ईयर द फाइनेस्ट आई वुड से इन माय लाइफ मैन। लाइक थैंक्स अलॉट मैन, थैंक्स अलॉट। अब हम लोग वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है मैन। तो आज हम जिस रिएक्शन करने वाले, दैट्स दीतांग फ्रॉम द मूवी लव एक्सप्रेस, देव एंड नुसरत जहान। ओके, सबसे पहली बात, देव को हमने इतनी बार सुन लिया, जस्ट ऑब्सेस्ड विद दिस शिट फॉर श्योर। नुसरत जहान, शायद मैंने ये गाना लाइक आई एम कवरिंग द एक्ट्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम नुसरत जहान, क्योंकि हमने अराउंड 2 या 3 एक्ट्रेस को कवर किया विद द देव, बट शायद ये गाना हम लोग पहली बार कवर करने वाले हैं, नुसरत जहान। ओके, अरमान मलिक, लाइक व्हाई डू इवन गिव मी अ शॉक एवरी सिंगल टाइम, जब भी मैं रिएक्शन करने बैठता हूँ। लाइक अभी अराउंड शायद मैंने कल एक वीडियो पे रिएक्शन किया था, कल ही मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन किया था जिसमें मोनाली ठाकुर एंड ये थे वाज द गाय, अरे यार क्या लेजेंड आदमी था यार वो, मोनाली ठाकुर एंड किनका हमने रिएक्शन किया था, कल ही मैंने उस वीडियो को शूट किया था, मोनाली ठाकुर एंड यार एकदम भूल चुका हूँ मैं, बट आई एम रिमेंबर कि मैंने मोनाली ठाकुर और किसी एक जन को और कवर किया था हमने, वो वीडियो कल ही मैंने किया था। आई वाज स्टिल इन द शॉक यार, पीपल एंड अरमान मलिक इज नॉट फ्रॉम अ बंगाली फैमिली जितना मुझे पता है, बट स्टिल इफ ही हैज अप्रोच इन अ बंगाली सीन, आई एम प्रीटी मच हैप्पी कि इसके हिंदी गाने मेरे प्लेलिस्ट में। लाइव से कि मैन ही इज द ओनली सिंगर एंड हिज ब्रदर इज द ओन अमाल मलिक एंड अरमान मलिक है ना शायद, तो दे आर द ओनली सिंगर्स जिसके ऑलमोस्ट 99% ऑफ द गाने मेरे प्लेलिस्ट में, बाकी दे आर नॉट एनी सिंगर जिसके पूरे गाने मेरे प्लेलिस्ट में है, एंड दे आर द ओनली वन जिन लोगों के गाने मेरे प्लेलिस्ट में है, एंड दैट्स अ फैक्ट। ऑल्सो बहुत लोग बोलते हैं कि प्लेलिस्ट अपना दिखाओ, तो या
मैं करता हूँ उसका कुछ उपाय करता हूँ, मैं कुछ ट्राई करता हूँ स्पॉटिफाई के प्लेज को कुछ पब्लिक करें, मुझे कोई ऑप्शंस मिलने दो, मैं करता हूँ आप सबके साथ। मैंने अराउंड 3 या 4 प्लेलिस्ट है मेरे, डिपेंड्स ऑन द मूड मैं प्लेलिस्ट चेंज करते रहता हूँ, तो मैं अराउंड सबको पब्लिक कर दूंगा। जस्ट लेट मी गिव सम टाइम, मैं प्रिपरेशन कुछ करता हूँ, आप सबको डेफिनेटली मैं बता दूंगा। तो यार बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा यार, फट से वीडियो शुरू करते हैं। तो यार मैन अरमान मलिक, लेट्स सी हाउ इज दिस गाय कोपिंग अप विद सम बंगाली शिपमेंट फॉर श्योर। जीत गांगुली ऑन द बीट होने वाला है, या जीत गांगुली डेली स्टफ्स ब्रो, डेली स्टफ्स लिरिक्स। फिर तो प्रियो चट्टोपाध्याय इज द लिरिक्स गाय, ओके कोरियोग्राफी अदर चीज, ओके तो वी कैन जस्ट स्ट्रेट स्लैम इनटू द वीडियो। तो अगर आप भी जीत गांगुली और देव के फैंस हो तो जस्ट ग्रैब दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसे तो हमेशा लात रहता हूँ। और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक तो जरूर से कर दें, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के फट से वीडियो शुरू करते हैं, एंड द वीडियो स्टार्ट्स इन, एंड द वीडियो स्टार्ट्स इन जस्ट अ सेकेंड, 1080p, या वी हैव डन इट, एंड द स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 लेट्स गो। वेट, साउंड कम है क्या? वेट, ओके वी आर रेडी। ओके सबसे पहली बात, हमें वाइब से एक प्रिटी श्योर इट्स अ बिट ऑफ पार्टी वाइब सॉन्ग, एक वो फुल एकदम ढोल तमाशा टाइप सॉन्ग होने वाला है। बाकी लेट्स सी एक्चुअल बैकग्राउंड क्या सीन होता है इस वीडियो का। मैं तो या लेट्स सी आई एम रेडी मैन, लेट्स गो। এখানে ওখানে মাচাতে ভাষানে বাংলা নাচের জুড়ি নেই ও চমকে দমকে লচকে ঠমকে ডিস্কো জহার মানবে ছেলে দুলে নাচতু হাতুলে ঠুমকা দে ঠুমকা দে বাংলা স্টাইলে দেতাঙ্গ দেতাঙ্গ ধেন্তানা দেতাঙ্গ দেতাঙ্গ ধেন দেতাঙ্গ দেতাঙ্গ ধেন্তানা দেতাঙ্গ দেতাঙ্গ ধেন দেতাঙ্গ দেতাঙ্গ ধেন্তানা আজ নেচে আসর জমা জাপনি রে মামা তুম যদি থাকি বুকে তুই দেখা তোর কলমা নাচলে দুলে নাচ তু হাতুলে ঠুমকা দে ঠুমকা দে বাংলা স্টাইলে দেতাঙ্গ দেতাঙ্গ ধেন্তানা দেতাঙ্গ দেতাঙ্গ ধেন দেতাঙ্গ দেতাঙ্গ ধেন্তানা দেতাঙ্গ দেতাঙ্গ ধেন দেতাঙ্গ দেতাঙ্গ ধেন্তানা দেতাঙ্গ দেতাঙ্গ ধেন দেতাঙ্গ দেতাঙ্গ ধেন্তানা। लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग, लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग, मुझे रुकना पड़ा है बतिया, लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग। सबसे पहली चीज, लविंग द प्लेस जो कि उन लोगों ने सेट की तरह यूज किया है, लविंग दैट बैकग्राउंड जो कि लोगों के साथ फुल इंटरेक्शन एंड ऑल हुआ। एक चीज आप नोटिस करना कि जो भी क्लोदिंग है उनका, चाहे देव का ले लो, चाहे द गर्ल, क्या नाम था उनका, नुसरत ना शायद, हाँ नुसरत जान, उनका ड्रेसअप ले लो, बहुत एक रॉ सा क्लोथिंग मटेरियल आई वुड से, क्योंकि आप नोटिस करोगे जो कपड़े दैट्स ताकि वो एक वाइब आ सके, ताकि जो लोगों के लाइक नॉर्मल क्लोथिंग होता है ना, आप कैजुअल सा पहनते हो एक टी शर्ट सा टाइप्स, तो उन दोनों का जो ड्रेसिंग सेंस किया गया ना वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया, ताकि एक नॉर्मल ऑडियंस जब भी ये गाना सुने ना तो एक बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर पाए। और उसे गाना भी एक बिट ऑफ एक फंकी टाइप सा रोड एंड ऑल पे बजने वाला टाइप सॉन्ग है, जिसमें लोग नाचेंगे, चाहे वो विसर्जन टाइप्स दैट्स अ प्रॉपर वर्ड टू यूज, विसर्जन टाइप्स, चाहे गणपति विसर्जन हो गया, चाहे कोई भी किसी भी चीज़ का विसर्जन हो गया किन्हीं भी का, तो उसमें क्या होता है कि ये सब गाने डेफिनेटली बजने वाले हैं, सो दैट पीपल कैन कनेक्ट मोर टू द सॉन्ग।
तो या मैन दैट मेक्स सेंस, जो कि बहुत अच्छा डिटेलिंग के तौर पे यूज किया गया है। ऑल्सो द मटेरियल्स पीछे जो ड्रम्स एंड ऑल बज रहे दैट वो एक प्रॉपर बीट है यार, वो डांस करने के लिए लाइक आप उतर जाओ क्लब्स पे बजा दो प्रो, लाइक वो एक अलग माहौल सेट कर सकता है ब्रो। तो या मैन जीत गांगुली अ लेजेंड फॉर अ रीजन मैन, हमने हमेशा अप्रिशिएट किया जीत गांगुली को फॉर क्रिएटिंग सच अ बिग शिट मैन, लाइक ही इज अ लेजेंड मैन। अच्छा लगता है यार सुन के, लाइक वी फील प्राउड टू से जीत गांगुली इज वन ऑफ आवर कंट्रीज मटेरियल आई वुड से, एंड इस लेवल पे करना काम दैट समथिंग। जादू बंगला गाने आज शुद्ध काचे टाने, रात जतो बेड़े चले मन बोझे प्रेमेर माने, नाच हेले दूले नाच दू है तूले ठुमका दे बंगला। पार्टी वाइब, एक वो था ना फंकी टाइप सॉन्ग्स, या मैन डेफिनेटली दिस वाज वन ऑफ दोस। लव एक्सप्रेस मतलब मूवी की क्या सीन था, लाइक ट्रेन के रोल पे लाइक चेन्नई एक्सप्रेस टाइप्स। शायद हमारे पे एक मूवी था ना दैट एसआरके वाला दैट चेन्नई एक्सप्रेस, उसी टाइप का कुछ मूवी है क्या ये लव एक्सप्रेस चेन्नई एक्सप्रेस, साउंड्स भी वैसा ही करता है लाइक मे बी वैसा कुछ हो, नो आइडिया। चेन्नई एक्सप्रेस तो मैंने देखा है, आई हैवंट वॉच द मूवी लव एक्सप्रेस, कमेंट्स में मुझे बताना है लाइक इज दैट अ सेम टाइप मूवीज या फिर कुछ अलग सीन है मूवी का। तो या मैन दैट वॉज दितंग दितंग। टॉकिंग अबाउट द ट्रैक वॉज अ वेरी बिट ऑफ फंकी टाइप, मैंने हमेशा ये चीज बोला। द बीट्स वर प्रॉपरली अरेंज, क्योंकि वो बीट्स जब भी आप एक पार्टी वाइब्स गाने बनाते हो, यानी एक नॉर्मल गाने हमने सुने जीत गांगुली के, आपको एक चीज बहुत सही दिखेगा कि इफ जीत गांगुली यूजेस एन एलिमेंट, चाहे वो कोई भी सैंपल का एलिमेंट हो या फिर किसी भी तरह का बीट्स का सैंपल हो, आप एक चीज नोटिस करना, मैं इतनी बार जीत गांगुली का सुन चुका हूं कि एक चीज मेरे माइंड में सेट हो चुका है दैट अ बार, कि जिस एलिमेंट को जीत गांगुली ने स्टार्टिंग में यूज कर दिया, स्टार्टिंग पे इन द सेंस कि जब भी कोई नया गाना स्टार्ट हो रहा है, फिर जिस एलिमेंट को प्रॉपरली बेस लाइन के तौर पर यूज कर लिया गया है, आप नोटिस करना जीत गांगुली हैज दैट कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी कि उसी बेस लाइन को रख के ही कैन जस्ट प्रोड्यूस द होल फ्रिकिंग सॉन्ग, जो कि ऑलरेडी लाइक सोचने में कितनी बड़ी बात है कि यार एक उसने बीट उठाया एंड ही जस्ट रोल्स अप विद द सेम शिट, क्योंकि चलता भी आता है अभी तक, लोग एंजॉय भी करते हैं। हैव टू आजकल पीपल, आप नोटिस करोगे, आपने एक दो गाने पहले अभी कवर किया था दैट व्हाट वाज द गाई शायद, अरे एक हमने रैपर का कवर किया था, उसने मैंने उसमें ये चीज बोला था कि उसने क्या किया, वो पूरा बेस लाइन चेंज करके जस्ट ब्रॉट अप द न्यू बीट, बट उसने फ्लो वो चेंज नहीं किया, तो एक बहुत प्यार तरीके से वाइब करेंट हो पाता लोगों से। मैन तो या मैन दैट वाज ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन आई कुड हैव गिवन टू द सॉन्ग्स दितंग दितंग फ्रॉम द मूवी लव एक्सप्रेस। कमेंट्स मुझे बताना कि आप सभी लोगों कैसे यूट्यूब के चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऑल्सो अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी सिंगल वन ऑफ देम वॉचिंग अ वीडियो, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग यू हैव जस्ट गिवन मी। मिलते हैं एक्सर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।